रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अपने होठों को हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि आए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मे है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब यह है आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी इसको महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 5।